अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बनाई है ग्वार फली। ये देखें, ये बहुत टेस्टी और बहुत झटपट बनने वाली है, बहुत ही जो है अच्छी बनकर तैयार होती है और बहुत जल्दी गल भी जाती है। ना इसको उबालने का झंझट है और ना ही कुछ भी नहीं करना है आपको, और बस इसको हम बताएंगे आपको किस तरीके से इसको बनाना है। ये देखें, ये एकदम गली हुई बनकर तैयार होती है और बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की लगती है खाने में। ये देखिए, आप कुछ भी किसी को भी उठाएं, ये देखिए बिल्कुल एकदम गली भी अब बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 500 ग्राम हमने ये फली ली है, जिसको हमने साफ़ करके और ये इस तरीके से छील के ये टुकड़े बना लिए हैं। ये हमने आपको दो दिखाने के लिए रखा हुआ है, जिसके हमने ये दोनों तरफ से इसकी वो निकाल दिया, रेशा निकाल दिया है। ये देखिए, हमने ये सब रेशा निकाल के रखा हुआ है ये, क्योंकि अगर इसको पहले हम निकाल देते हैं तो हमारी जो है फली की सब्ज़ी बहुत अच्छे से गल कर तैयार होती है। आप उसको उबालने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से ही बना सकते हैं। तो हम आपको दिखा देते हैं ये। ये देखिए, आप इस तरीके से दोनों तरफ से ये जैसे हम सेम की या और फलियां बनाते हैं तो हम निकालते हैं इसके रेशे को, इस तरीके से दोनों तरफ से इसको निकाल लेना है ये, क्योंकि ये गलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसको और काफ़ी टाइम भी लगता है। ये देखिए, ये जो है बहुत हार्ड होती है, तो इसलिए हम निकाल देंगे इसको। उसके बाद हम इसको जैसा भी आप शेप रखना चाहे, बड़ा या छोटा, उस तरीके से आप इसको काट लें। तो ये हमने सब काट कर तैयार कर लिया है। 5 लहसुन की कलियाँ इसको बारीक चॉप कर लिया है, 1/2 टीस्पून जीरा लिया है, ये हमने 1 टमाटर इसको काट लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है, 4 ये हरी मिर्च है, हमने 1 कप मूँगफली ली है जो कच्ची मूँगफली होती है, हम इसको पेस्ट बनाकर डालेंगे। अदरक, हरी मिर्च और मूँगफली का हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इसको हम एक पेस्ट बनाकर लाते हैं। हमने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा दी थी, अब वो अच्छे से गर्म हो गया है। हमने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है, 1/4 कप है, आप चाहे तो रिफाइंड में बना सकते हैं इसको। अब ये तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें जीरा और ये लहसुन जो रखा है ये डाल देंगे। जीरा और लहसुन अच्छे से ब्राउन हो गया है ये हल्का, हमें ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, तो हम इसमें ये फली डाल देंगे। इसके साथ हम इसको अभी भूनेंगे, इससे जो है फली का कच्चा पानी भी चला जाएगा, उसका टेस्ट भी बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि हम इसको लहसुन के साथ भूनेंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अभी हम इसको मीडियम फ्लेम पर ढक देंगे, हमें 5 मिनट हुए थे इसको छोड़े हुए। ये देखें, ये बहुत अच्छे से जो हमारे गल चुकी है, ठीक है। हमने इसको दोनों तरफ से इसके वो निकाल दिए थे, छील दिया था इसको, हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये बहुत अच्छे से, ये देखें, ये आधी सब्जी ऐसे ही गल जाती है। आप इस तरीके से इसको तेल में पहले अच्छे से गला लें, पानी ना डालें बिल्कुल भी। अब हम इसमें ये टमाटर का पेस्ट जो हमने बनाया था ये डाल देंगे, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है, तो आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1/2 टीस्पून हम नमक डालेंगे, ये 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, क्योंकि मसाले इसमें हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब हम इसके साथ इसको भून लेंगे। मूंगफली, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट बनाया, हम इसको भी डाल देंगे। ये हमने पेस्ट डाल दिया है, अब हम इन सबको एक साथ में भूनेंगे। क्योंकि मूंगफली के पेस्ट आपको डालने से इससे ग्रेवी अच्छी बनती है, थोड़ी सी यानी मसाला लिपटा हुआ होता है फली में, तो वो टेस्टी लगती है खाने में। हमने इसको 1 मिनट और भून लिया है मसाले के साथ, हमने 5 मिनट पहले भूना था, 2 मिनट बाद भूना है, तो ये 7 मिनट करीब हमने इसको अच्छे से भून लिया है। जिस जार में हमने मूंगफली का पेस्ट बनाया था उसी जार में हमने ये 1/4 कप पानी लिया है, हम इसको डाल देंगे। अब इसको हम 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ढककर छोड़ देंगे, उसके बाद देखेंगे।
फलियों को पकते हुए 12 मिनट करीब हो गए। हमने इसको बीच में एक बार चम्मच भी चलाया था, ये देखें हमने मीडियम फ्लेम किया हुआ था इसका। ये हमारे अच्छे से एकदम मसालेदार तैयार हो गई है चटपटी। अब हम इसमें ये थोड़े से कसूरी मेथी है जिसको हमने गर्म कर लिया है, इसका टेस्ट अच्छा आएगा इसमें। अब हमारी सब्जी एकदम तैयार है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये हमारी ग्वार फली की सब्जी एकदम तैयार है, ये देखें ये बहुत टेस्टी बनती है। आप इस तरीके से हमारी तरीके से इसको ज़रूर बनाएं। आप इसको पराठे चपाती इन सब के साथ सर्व करें, एकदम तैयार है, बहुत ही टेस्टी बहुत ही लाजवाब बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, यकीन मानिए ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। आप हमारे मेथड से इसको तैयार करें। अल्लाह हाफिज़।